हेलो, गुड आफ्टरनून। आज हम पढ़ेंगे, हम शायद प्लॉटर तक तो ऑलरेडी पढ़ चुके थे। ओके, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस। ओके, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये थोड़ा ये ऐसा अच्छा रहेगा। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस, ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस हम लोग सॉफ्ट कॉपी के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आउटपुट यानी कि जो हमें कंप्यूटर से आउटपुट देता है, और डिवाइसेस यानी कि कुछ डिवाइस जो मशीन, लाइक ये एक डिवाइस है, इधर एक डिवाइस है, इधर भी एक डिवाइस है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। सो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से, अमंग द वाइड वेराइटी ऑफ सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस, ये बोलता है कि अमंग द वाइड वेराइटी ऑफ सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस है, जितना भी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस है। ओके, वेराइटी मतलब बहुत तरीका, डिफरेंट टाइप को बोलता है, जैसे कि मॉनिटर्स, स्पीकर्स, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइसेस। ये स्पीकर्स मोस्टली यूज किया जाता है, मॉनिटर्स नहीं तो कंप्यूटर कैसे दिखेगा। ओके, हमें पता कैसे चलेगा, तो मॉनिटर्स, स्पीकर्स, ये सब का दीज आर द मोस्ट कॉमनली आउटपुट डिवाइसेस, राइट। तो यहाँ हम लोग देखेंगे मॉनिटर्स का किस काम में यूज होता है। ठीक है, आप लोग जानते हैं, दिस इज ए मॉनिटर, ये एक ठो मॉनिटर है, ये भी एक ठो मॉनिटर है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें बोलता है कि मॉनिटर लुक लाइक ए टेलीविज़न, बिल्कुल मॉनिटर एक टेलीविज़न की तरह दिखता है। टेलीविज़न यानी कि टीवी स्क्रीन जैसा, ठीक है, टेलीविज़न स्क्रीन, एंड डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग ऑन इट्स स्क्रीन, यानी कि जो प्रोसेसिंग होता है सीपीयू में, उसके बाद जो रिजल्ट जो है, रिजल्ट जो डिस्प्ले करता है ऑन इट्स स्क्रीन, ये उसका स्क्रीन में डिस्प्ले करता है, यानी कि यहाँ और यहाँ। ठीक है, एज इट इज़ यूज टू डिस्प्ले वर्ड, एज इट इज़ यूज टू डिस्प्ले द रिजल्ट, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द विजुअल डिस्प्ले यूनिट्स और VDU। ओके, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल मतलब देखना, जो विजन, डिस्प्ले मतलब दिखाना, यूनिट मतलब इकाई। इन द अर्ली कंप्यूटर्स मोनोक्रोम्स मॉनिटर्स, मोनोक्रोम मॉनिटर्स वेयर यूज, ये मोनोक्रोम मॉनिटर्स क्या होता है, व्हिच यूज टू डिस्प्ले द व्हाट, यूज टू डिस्प्ले द सेइंग शेड्स ऑफ ग्रे एंड इमेज, शेड्स ऑफ यानी कि शेड्स जो होता है छाई हम बोल सकते हैं, कि एंड इमेज ओनली इन वन कलर, यानी कि ये वाला, ठीक है, ये होता है आपका मोनोक्रोम मॉनिटर्स, जिसमें ब्लैक एंड वाइट ही दिखता था। तो यहाँ पर लिखा है ग्रे एंड इमेज ओनली इन वन कलर। ओके, यूजुअली द शेड ऑफ ग्रे फॉर्म ब्लैक एंड वाइट, ये यहाँ पर लिखता है कि ये ग्रे और वाइट जो है ये ब्लैक एंड वाइट में यूज करता था। Nowadays color monitors, आज का दिन में color monitors आ गया है, these are used which display the characters and the image, और color monitors आज का दिन में यूज किया जाता है क्या ना, characters को दिखाने के लिए, यानी कि सारा letters, writings, इसको हम characters बोलते हैं, and images, ये देखो colorful है, ठीक है, then colorful है। इस तरह से आपका ये था monitor। ठीक है, next we will go to दिस इज पेज नंबर 8 एंड पेज नंबर 19। ओके, ये बोलता है, सॉरी वहाँ पर कुछ छूट गया, विच डिस्प्ले द कैरेक्टर्स इन ब्लैक, सॉरी इन कलर एंड इमेज, जो कलर मॉनिटर्स है, कलर एंड इमेज इन मैनी कलर्स। ठीक है, यहाँ पर दिखता है जो कि मैनी कलर्स में यूज होता है, बहुत सारे कलर्स में, मिलियंस ऑफ कलर्स में दिखा सकता है, राइट। द कलर पैटर्न इज अचीव्ड बाय वेयरिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ रेड, ठीक है, कलर पैटर्न्स को जो होता है ये बोलता है, हम इसको अचीव किया जा सकता है, यानी कि दिखा जा सकता है कलर में कॉम्बिनेशन किस किस का संयोग में, यानी कि वहाँ पर रेड कलर का हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है एंड ब्लू भी हो सकता है, इसलिए उसको बोलते हैं RGB, ठीक है,
आरजीबी का मतलब होता है रेड ग्रीन एंड ब्लू। ओके, यहाँ पर होता है ए थिन फिल्म ट्रांजिस्टर यानी कि टीएफटी मॉनिटर। ठीक है, फिगर ये वाला इज ए टाइप ऑफ एलसीडी मॉनिटर विथ ए कैपेबिलिटी ऑफ डिस्प्ले हाई क्वालिटी ग्राफिक्स एंड इमेज। उसमें भी हाई क्वालिटी ग्राफिक्स एंड ग्राफिक्स यानी कि बिल्कुल ग्राफ जो होता है इमेजेस भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, और ये होता है टीएफटी। टीएफटी का फुल फॉर्म होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, दिस वन। ओके, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट वी विल सी द स्पीकर्स। ओके, स्पीकर्स क्या होता है, ये भी आउटपुट डिवाइस है, हम लोगों ने पढ़े थे, हम ये भी आउटपुट डिवाइस ही था। द स्पीकर्स आर यूज टू लिसन टू द साउंड्स एंड म्यूजिक प्लेड ऑन द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में जो भी साउंड्स एंड म्यूजिक प्लेड होता है हमें हम सुन सकते हैं किसके जरिए, ना बाय यूजिंग स्पीकर्स। ठीक है, अर्लियर स्पीकर्स आर फाउंड इन द साइड इनसाइड द सीपीयू बॉक्स बट नाउ गुड क्वालिटी एक्सटर्नल स्पीकर्स कैन बी कनेक्टेड टू द सीपीयू बॉक्स। अर्लियर स्पीकर्स बोलता है यानी कि पहले ज़माने का जो स्पीकर्स था दे आर फाउंड इनसाइड द सीपीयू बॉक्स बट नाउ इट इज, लेकिन आजकल अभी का दिन में जो गुड क्वालिटी यानी कि बहुत अच्छे क्वालिटी वाला एक्सटर्नल स्पीकर यानी कि जो बाहर से कनेक्ट किया जा सकता है, एक्सटर्नल मतलब बाहर, कैन बी कनेक्टेड टू द सीपीयू बॉक्स। अभी सीपीयू बॉक्स में हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो कनेक्ट कर सकते हैं, दैट इज वाई सेइंग मॉनिटर्स बॉक्स में। ठीक है, द एक्सटर्नल स्पीकर कैन बी केप्ट ऑन द डेस्क और बोथ साइड्स, हम उसको रख सकते हैं यानी कि डेस्क में और मॉनिटर बोथ साइड ऑफ द मॉनिटर, मॉनिटर का बोथ साइड्स में। ठीक है, लेकिन ये कहा जाता है जनरली स्पीकर्स कम इन पेयर्स टू प्रोड्यूस ए नियर नेचुरल स्टीरियो साउंड्स। ठीक है, स्पीकर जो होता है कंप्यूटर स्पीकर वो हमेशा पेयर में आता है, पेयर यानी कि टू पीसेस को एक पेयर बोलते हैं, राइट। तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि नेचुर टू प्रोड्यूस किस लिए कहा जाता है ना, यहाँ पर लिखता है ना, वो इसलिए किया जाता है टू प्रोड्यूस, यहाँ पर लिखा है पेयर ऑफ स्पीकर क्यों यूज होता है, अगर पूछता है तो हम लिखेंगे टू प्रोड्यूस ए नेचुरल स्टेरियो साउंड इफेक्ट। ठीक है, नेचुरल स्टेरियो साउंड इफेक्ट को स्टेरियो इफेक्ट सुनने के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कम टू हेडफोन। हेडफोन यानी कि स्पीकर और हेडफोन एक तरह ही है, बट बात यह है कि हेडफोन हम कान में लगाते हैं, स्पीकर हम लोग सब कोई सुन सकता है। ठीक है, स्पीकर हम लोग बाहर में रखते हैं। द हेडफोन कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ स्पीकर, इसमें भी पेयर ऑफ स्पीकर ही है। ठीक है, दिस आर द हेडफोन, ये एक तो हेडफोन है, ये एक तो हेडफोन है। हैविंग पैड्स टू प्रेस अगेंस्ट द ईयर्स, ये पैड्स है जो अगेंस्ट में हम लोग प्रेस कर सकते हैं, यहाँ पर भी छोटा सा पैड है। ठीक है, अगेंस्ट द ईयर्स एंड ए ब्रांड टू बी ओन ओवर द हेड सो दैट ओनली द पर्सन हु वेयर्स इट कैन हियर द साउंड। ठीक है, मतलब साउंड्स कोई डायलॉग्स जो आदमी लगाएगा कान में वही सुन पाएगा और बाद बाकी तो नहीं सुन पाएंगे, राइट। दे आर यूज टू लिसन, स्पीकर क्यों यूज किया जाता है ना, दे आर यूज टू लिसन म्यूजिक एंड द डायलॉग्स ऑफ ए मूवी वाइल यूजिंग द लैपटॉप्स इन ए ट्रेन और एरोप्लेन्स और वाट एवर। अगर आप ट्रेन में जर्नी करते हैं, एरोप्लेन में जर्नी करते हैं, बस में जर्नी करते हैं, तो आपको हेडफोन चाहिए आपको अकेले सुनने के लिए म्यूजिक या फिर कोई डायलॉग्स या फिर कुछ भी। यानी कि आजकल तो क्लासेस भी होते हैं, तो कंप्यूटर क्लासेस यानी कि ऑनलाइन क्लासेस में भी हम हेडफोन यूज़ करते हैं, राइट। नाउ इट इज यूज ऑफ ईयरफोन्स आर वेरी ईयरफोन्स दैट इज़ वेरी स्मॉल हेडफोन्स विदाउट ब्रांड टू बी फिटेड डायरेक्टली, ये बिना ब्रांड का है। ठीक है, बिना ब्रांड का भी अभी डायरेक्टली फिटेड हो सकता है आउटर ईयर में, हैज़ बिकम पॉपुलर, और ये भी बहुत पॉपुलर हो सकता है जो नॉन ब्रांड वाला जो सिस्टम होता है आउटपुट होता है। ठीक है, वो भी बहुत पॉपुलर हो गया है। ठीक, सो दिस इज ऑल अबाउट द हेडफोन। नाउ वी विल सी द कंप्यूटर सिस्टम। यहाँ पर देखो हेडफोन, ये वाला क्वेश्चन को थोड़ा देख लो आप लोग। ठीक है, यहाँ बोलता है कि क्रॉस द ओड वंस, ओड वन को क्रॉस करना, मॉनिटर प्रिंटर जॉयस्टिक्स, जॉयस्टिक्स क्योंकि ये आउटपुट है, ये भी आउटपुट है, प्रिंटर माउस हेडफोन, ये प्रिंटर और हेडफोन ये दोनों सेम है, तो हमारा आंसर माउस होगा। ठीक है, माउस इनपुट डिवाइस है,
डिजिटल कैमरा, स्पीकर, प्लटर, ठीक है। तो डिजिटल कैमरा, स्पीकर एंड प्लटर। तो प्लटर क्या होता है? प्लटर एक आउटपुट है, प्लॉट करता है, ठीक है। और स्पीकर ये भी आउटपुट है। तो हम लोग लिखेंगे ये डिजिटल कैमरा, जिसे हम फोटो क्लिक करके अंदर ले सकते हैं, राइट। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है ना, कंप्यूटर सिस्टम में बोलता है जिसमें कि हम लोग का द इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड द प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड हार्डवेयर। एक कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या हो सकता है, ये बोलता है जितना भी डिवाइसेस हम पकड़ सकते हैं, ये इनपुट डिवाइसेस हो गया, इनपुट डिवाइसेस, सारी इनपुट डिवाइसेस, सारी आउटपुट डिवाइसेस एंड प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, प्रोसेसिंग यूनिट जो है ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, ये सब को हम हार्डवेयर कहेंगे, क्योंकि इसको हम टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। व्हिच वर्क टुगेदर टू परफॉर्म द डिजायर्ड फंक्शन, जो एक साथ काम करेंगे, किस लिए काम करेंगे ना, डिजायर्ड फंक्शन को कैरी आउट करने के लिए, ठीक है। टू परफॉर्म डिजायर फंक्शंस एंड द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस व्हिच कंट्रोल्स एंड मेक्स द हार्डवेयर टू परफॉर्म द डिजायर टास्क इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। और ये सब किया हार्डवेयर, ठीक है, आपको हार्डवेयर के बारे में पता चल गया। अभी बोलता है कि ये सेट ऑफ हार्डवेयर जो है, ठीक है, ये जो हार्डवेयर से जितना भी है सेट ऑफ हार्डवेयर, ये जो सेट ऑफ हार्डवेयर से जिस द सेट ऑफ यहाँ पर लिखता है सॉरी ठीक है द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी कि अनुदेश, ठीक है, इंस्ट्रक्शन यानी कि अनुदेश, ओके, इसका मतलब याद रखना अनुदेश। व्हिच कंट्रोल्स एंड मेक द हार्डवेयर टू परफॉर्म डिजायर टास्क, ठीक है, जो कंट्रोल करता है और हार्डवेयर को परफॉर्म करता है, कराता है डिजायर टास्क, यानी कि जो टास्क, जो काम हम लोग चाहते हैं, वो जो कराता है हार्डवेयर लोग, जो काम करता है हार्डवेयर सिस्टम और हार्डवेयर यूनिट्स, वो जो कंट्रोल और कंट्रोल यूनिट जो होता है, ठीक है, तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसको बोलते हैं, वो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, और वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर, राइट, उसको सॉफ्टवेयर कहा जाता है। यानी कि सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन करता है और कंट्रोल करता है और उसका सारा हार्डवेयर को परफॉर्म कराता है डिजायर्ड टास्क में, ठीक है। दस ए कंप्यूटर सिस्टम नीड्स बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू अकम्प्लिश द गिवन टास्क, ठीक है, इसलिए बोलता है कंप्यूटर्स को दोनों सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ता है अकम्प्लिश यानी कि गिवन टास्क पर काम करने के लिए, दोनों अकम्प्लिश मतलब कि दोनों की कंपनी चाहिए, ठीक है, दोनों की कंपनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट पॉइंट और नेक्स्ट पेज वी विल सी कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, ठीक है। ए कंप्यूटर हार्डवेयर रेफर्स टू ऑल सच पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर विच कैन टच, मैंने बार बार कहता हूँ, विच कैन टच एंड फील, ओके, विच वी कैन टच एंड फील, मतलब कि कंप्यूटर हार्डवेयर रेफर्स टू ऑल सच पार्ट्स, कंप्यूटर हार्डवेयर वही पार्ट्स होता है, सारे पार्ट्स जिसको हम टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं, उसी को हम कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं। कितने हैं, कौन कौन से ना, फिजिकल पार्ट्स यानी कि जितना भी उसका फिजिकल पार्ट्स हैं, डिवाइसेस है, बोथ जो इलेक्ट्रॉनिक्स है और मैकेनिकल है, फाउंड इनसाइड या फिर आउटसाइड ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, जो कुछ भी पाया गया है, ठीक है, उसको हार्डवेयर कहा जाता है। फिजिकल पार्ट्स का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर का शारीरिक पार्ट, ठीक है, और डिवाइसेस का मतलब कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की बात कर रहा है, ठीक है, तो फिजिकल पार्ट मतलब कंप्यूटर का शारीरिक पार्ट। हार्डवेयर डिवाइस फाउंड आउटसाइड द सीपीयू बॉक्स और कीबोर्ड, ठीक है, ये कीबोर्ड एक हार्डवेयर है जो कंप्यूटर के आउटसाइड से पाया गया है, आउटसाइड द सीपीयू बॉक्स आर कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, स्कैनर, स्पीकर, वेब कैमरा, प्रिंटर, यूपीएस एक्सेट्रा, ठीक है, ये फिगर 24 में दिया गया होगा, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द हार्डवेयर डिवाइस फाउंड इनसाइड द सीपीयू बॉक्स, क्या होता है ना, पावर सप्लाई यूनिट जिसको हम बोलते हैं एसएमपीएस, याद रखना इसको, पीएस, ओके, जिसको होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी,
माइक्रो प्रोसेसर, हार्ड ड्राइव डिस्क और हार्ड डिस्क ड्राइव एट्सेट्रा, ओके, एंड ऑल हार्डवेयर पार्ट्स, ये जो यहाँ पर लिखता है, ऑल हार्डवेयर पार्ट्स एंड डिवाइसेस आर आइदर माउंटेड ऑन द मेन सर्किट बोर्ड कॉल्ड मदरबोर्ड ऑफ द कंप्यूटर और दे आर कनेक्टेड टू इट। ये बोलता है कि जो भी हार्डवेयर पार्ट्स है, ठीक है, और डिवाइसेस है इनसाइड द कंप्यूटर, आइदर उस सबको माउंट किया गया है, माउंटेड मीन्स उसके साथ जोड़ा गया है, जो मदरबोर्ड है इस वाला, ये जो आप देख रहे हैं ये मदरबोर्ड है, जैसे कि यहाँ पर लगा गया है, माउंटेड होता है, ठीक है, और या फिर बाहर से हम उसको कनेक्शन करेंगे, ठीक है, ऐसे, यानी कि इस तरह से हम बाहर से उसको कनेक्शन करेंगे। सपोज ये प्रिंटर है हमारा, यहाँ से कनेक्शन जाएगा सीपीयू में, यानी कि मदरबोर्ड में हो जाएगा, ठीक है, तो वही कहता है या फिर कनेक्टेड किया जाएगा मेन सर्किट बोर्ड जिसका नाम है मदरबोर्ड, मेन सर्किट बोर्ड ऑफ द कंप्यूटर, मदरबोर्ड होता है, तो मदरबोर्ड इज ऑल्सो हार्डवेयर डिवाइसेस, ओके, ऑफ द कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू इट, उसके कनेक्टेड किया जाएगा, ठीक है, कंप्यूटर ऑफ द दे आर कनेक्टेड टू इट, कनेक्शन किया जाता है उसके साथ। नेक्स्ट वन बोलता है, ये था आपका हार्डवेयर डिवाइस, ये देखिए, उसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में थोड़ा चलते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये एक इंस्ट्रक्शन है, ओके, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आर रेफर टू ऑल सच पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर विच वी कैन नॉट टच, जिसको हम टच नहीं कर सकते, फील भी नहीं कर सकते, जैसे हम हार्डवेयर को टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। सो कैसे, क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज ये कोई चीज़ नहीं है, सॉफ्टवेयर इज नॉट ए डिवाइस, दैट इज़ ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी कि बहुत सारा अनुदेश जो कोडिंग में होता है, गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म द डिजायर टास्क इज नोन एज सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर को डिजायर टास्क परफॉर्म करने के लिए, डिजायर्ड काम यानी परफॉर्म करने के लिए जो परफॉर्म कराता है और जो कंट्रोल करता है, वही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को दिया जाता है, ठीक है, उसी को ही हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। और ये क्या होता है ना, ये बोलता है कि कंप्यूटर हार्डवेयर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। अगर सॉफ्टवेयर नहीं बने रहेगा तो कंप्यूटर का हार्डवेयर पार्ट कुछ भी काम नहीं कर पाएगा, अपने आप से प्रिंट आउट नहीं निकलेगा, अपने आप से आउटपुट डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ता है। सो सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम। मैंने अभी अभी कहा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है ना, सर सॉफ्टवेयर होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, और ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को ही कंप्यूटर प्रोग्राम कहा जाता है। सो द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम और एस प्रोग्राम, ए प्रोग्राम, सिंपल प्रोग्राम, ठीक है। सो वी आर एबल टू प्ले कंप्यूटर गेम बिकॉज ऑफ ए गेम प्रोग्राम, क्योंकि वहाँ पर गेम प्रोग्राम है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है, विच इज़ ए सॉफ्टवेयर, ये बिल्कुल बोला कि ये भी एक सॉफ्टवेयर है, राइट। फॉर एग्जाम्पल हम रखेंगे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, ये वाला जो है, ठीक है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये भी एक सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये भी एक सॉफ्टवेयर है, एंड फोटोशॉप CS2 ये भी एक सॉफ्टवेयर है। तो ये अलग अलग सॉफ्टवेयर्स में अपने अपने सॉफ्टवेयर्स के हिसाब से काम होते हैं, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, अपना अपना काम होता है, हम उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ये पेज नंबर 20 हुआ, नेक्स्ट पेज नंबर 21 का थोड़ा सा देखेंगे। टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स दो तरह की होता है, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो इसके बारे में हम आज टाइम भी हो गया, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, ओके, पर जितना अभी तक हम लोग पढ़े हैं कंप्यूटर सिस्टम का, नेक्स्ट क्लास आप इनपुट डिवाइस आपको पता है, आउटपुट डिवाइस आपको पता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है और हार्डवेयर क्या होता है, ठीक है, हार्डवेयर क्या होता है यानी कि हार्डवेयर, हार्डवेयर क्या होता है इसके बारे में तुम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ के ना, ओके, सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।